दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने अपने अपने व्लॉग पर फैंस से प्रेगनेंसी की खबरें शेयर की है। ऐसे में ये कपल इस वक्त अपनी लाइफ के बेहद खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। परिवार में भी नन्हे मेहमान के आने का इंतजार हर किसी को हो रहा है। दोनों अपने व्लॉग के जरिए इस बारे में ढेर सारी बातें शेयर करते दिखते हैं। दीपिका के लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो क्या खाती थीं और किन चीजों से दूर रहती थीं। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने काफी ज्यादा मुश्किल भरे होते हैं। इस दौरान थोड़ा एक्स्ट्रा केयर और खान पान का ध्यान रखने की जरूरत होती है। दीपिका ने प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में सिर्फ घर के बने खाने को अपनाया था। दीपिका ने बताया कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो सिर्फ घर के बने खाने को ही खाएं। दीपिका ने अपने पहले ट्राइमेस्टर में जंक फूड से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। हेल्दी बेबी के लिए हेल्दी खाना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट फूड खाने से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि जंक फूड को फ्रेश रखने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गैस्ट्रिक की शिकायत भी होती है। वही दीपिका की बात करें तो दीपिका मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट्स खाती हैं। वीडियो में उन्होंने अपनी फ्रूट प्लेट भी दिखाई, जिसमें वो एक सेब, एक नाशपाती और एक केले को शामिल करती हैं। हालांकि इसे वो अपने मूड के मुताबिक चेंज करती रहती हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को खाने में फल सब्जी जरूर खाने चाहिए, ताकि ये आपके यूट्रस की वॉल्स को मजबूत बनाने और बच्चे की ग्रोथ में फायदेमंद भी होते हैं। वेल, आप दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।